आज आम आदमी पार्टी राजस्थान के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज एक ऐसा चेहरा जिसकी पहचान सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, जिनकी पहचान पूरे देश में है। राजस्थान के भादरा में घोघा मेड़ी एक स्थान है जहाँ के हमारे महंत रूपनाथ जी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो वहाँ घोघा मेड़ी के सरपंच भी हैं और पूरे राजस्थान प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, और साथ साथ पूरे देश में इनकी पीठ के लगभग 15 करोड़ अनुयायी हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं और हर जगह से समय समय पे बाबा जी के यहाँ दर्शन करने आते हैं, और बाबा जी के अनुयायी सारी इनकी बात मानते हैं। अभी एक मेला शुरू होने वाला है और लगभग वो मेला एक महीना सरकारी खर्च पे चलता है और 40 से 50 लाख लोग उसमें दर्शन करने आते हैं। पूरे देश के जितने बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हैं वो भी उसमें जाती हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि बाबा ने श्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए पंजाब में जिस तरीके से भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, ईमानदार राजनीति को देख करके इनका कहना है कि इनके गुरु जी ने इनको आदेश दिया कि अरविंद जी एक ईमानदार आदमी हैं, एक ईमानदार पार्टी है, तो उनकी ईमानदारी और नेक नियति को देख के ये आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होगी और देश के विभिन्न कोनों में मजबूत होगी। मैं बाबा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं बाबा जी से गुजारिश करूँगा, बाबा जी अपने शब्द रखेंगे। आप जो मर्जी बोलो बाबा, आप पार्टी है आप तो। आज मैं घोघा मेड़ी राजस्थान में जो एक हमारा बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, एक नाथ संप्रदाय का मठ है श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, वहाँ का मैं महंत हूँ और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, यानी इंसान को नाम लेते हुए भी बड़ा आनंद अनुभव होता है। आम आदमी किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। किसकी पार्टी है? आम आदमी की पार्टी। तो ये सबसे बड़ा हो। दूसरा, इनका जो है राजनीति जो है ये बदलने के लिए आए हैं, बदल रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए, हमने उससे पहले दिल्ली में रोज़ आता जाता हूँ, महीने में दो चक्कर मेरे दिल्ली में लग जाते हैं। मैंने इतनी साफ सफाई दिल्ली में कभी नहीं देखी थी जितनी आज मैं 12 महीने से आया हूँ उसके बाद में देखी है। तो जो इन्होंने वादे निभाए हैं जनता से वो करके दिखा रहे हैं, और मेरी भी यही भावना है। मैं भी एक बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सारा समाज जो है भारतीय समाज वो शिक्षित हो और हमारे इस पार्टी को आगे बढ़ाए। और प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो आप परिवर्तन लाएंगे तभी परिवर्तन होगा। मैं आप सबका, हमारे अधिकारियों का स्वागत करता हूँ, और मुझे आपने इस पार्टी में शामिल किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और पूरी पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि हम सभी जो है परमात्मा की कृपा से विजयी भवें।